टीवी एंड आईटीवी। टीवी एंड आईटीवी की पिछली दो एक्सरसाइज अपन देख चुके हैं कि टीवी को कैसे निकालते हैं व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछ के, और आईटीवी को कैसे निकालते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। आईटीवी में इसमें सब्जेक्ट प्रोवाइड होता है, आईटीवी में टीवी में ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन होना चाहिए, अपन पहले देख चुके हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, टीवी को कैसे निकालते हैं, कोई जैसे कोई वर्ब टीवी है उसके जस्ट बाद व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछो, जैसे क्या और किसे, इससे दोनों से क्वेश्चन पूछो। अगर इफेक्ट जो है अगर वो ऑब्जेक्ट पे जा रहा है तो वह टीवी है, ठीक है। यह हुई एक्टिव सेंटेंस की बात, ठीक है। बात करें पैसिव सेंटेंस में, तो पैसिव सेंटेंस में बी बीच में आएगा, ठीक है। मैंने पहले बताया पिछले वीडियो में बी क्या है, कैसे रिएक्शन जाता है, बी बीच में आएगा, और जो अपना रिएक्शन बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्क की थर्ड फॉर्म का रिएक्शन है ना वो पीछे की ओर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में सब्जेक्ट पर, ठीक है। ये होता है, आपको अगर अभी समझ में नहीं आए तो जस्ट पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देख लेना, टीवी आई टीवी वाला, उसमें आपको अच्छे से समझाया मैंने, उसके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आई टीवी की बात करें तो आई टीवी में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्रोवाइड होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर आई टीवी वाली वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी का नहीं है वो, क्योंकि टीवी तो होती नहीं है आई टीवी में, तो वो ऑब्जेक्ट किसी और का है, और किसी और का किसका होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो का ही होता है, या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर टीवी का होगा। तो आई टीवी में जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन का होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आई कैन ब्लैंक स्पेस टी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मॉडल है, सब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर टीवी का होगा। अब मैं प्रीपोजिशन तो कहीं दिख नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा ना प्रीपोजिशन, तो ऑब्वियसली बात है टीवी का होगा, है ना, और टीवी का होगा, ठीक है। और यहाँ पे कैन दे रहा है, कैन के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए अपने पास, तो यहाँ पे वर्क की सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती, ये नाउन आ नहीं सकता, वो आएगा वर्क की फर्स्ट फॉर्म, वर्क की फर्स्ट फॉर्म यही प्रिपेयर तो ये आएगा। मैंने प्रिपरेशन क्यों गलत किया, क्योंकि प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन क्या है, एक नाउन है, नाउन है, नाउन है, कैसे पता करते हैं नाउन को, मैंने रिदम बताई थी, नाउन जब पढ़ाया था मैंने, कैसे बताते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारी प्रिपरेशन, अगर बोलने में सही लगे, जैसे बोलने की जो रिदम है एकदम सही बैठे, एकदम भी अजीब सा नहीं लगे, तो वो जो प्रिपरेशन का निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी प्रिपरेशन, बोलने में सही लगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन नाउन हो जाएगा। प्रिपेयर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किस हिसाब से, मैंने एडजेक्टिव बताया था, एक तो बताया था स्टिकर मेथड से कि नाउन क्या क्या लगा दो, जैसे गुड बुक, अच्छी किताब, तो गुड क्या हो जाएगा, प्रिपोजिशन, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और बुक क्या था, नाउन था, तो नाउन के जस्ट पैसे लगा दो एडजेक्टिव को, तो इसे निकालो। और एक था जैसे गुड का, गुड की जगह कॉन्फिडेंट का निकालें, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है या नहीं है, तो कैसे निकालते, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, ये ऐसे रिदम पकड़ लो, अगर रिदम बोलने में सही लगे तो यानी कि जो कॉन्फिडेंट है वो एडजेक्टिव है, जैसे मैंने नाउन में रिदम बताई थी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी प्रिपरेशन, बोलने में सही लगा तो प्रिपरेशन हो जाएगा नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में मॉडल के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और वर्ब आनी चाहिए, वर्ब यहाँ पे यही है, एक ये वर्ब है, वर्ब है, ठीक है, और वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ये चीज़ आएगी यहाँ पे, ठीक है। और जो प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसे, मैंने एक और बताया था एडजेक्टिव कि वर्ब टीवी की थर्ड फॉर्म होती है, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होती है, जैसे अफेक्टेड देख लो, अफेक्टेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अफेक्टेड एरिया, प्रभावित एरिया बोलते हैं ना यार, ये अफेक्टेड है यार, ये तू किसी से, किसी ना किसी से तुम क्या अफेक्टेड हो, अफेक्टेड हो यानी प्रदूषित हो, दूषित हो, तो अफेक्टेड हो, तुम अफेक्टेड हो, एडजेक्टिव कैसे निकालते, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम अफेक्टेड हो, है ना, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम अफेक्टेड हो, यानी कि अफेक्टेड क्या है, एडजेक्टिव। ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, एडजेक्टिव। ये भी प्रिपेयर क्या है, टीवी है, और टीवी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये एडजेक्टिव। और यहाँ पे एडजेक्टिव आ नहीं सकता क्योंकि ये जो पोजीशन है वर्ब की है, ये वर्ब यहाँ पे यही है, और वर्ब को और अच्छे से कन्फर्म करना कैसे बताते, वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्ब जो है, जो वर्ड है वो या तो ईडी लेगा या आईएनजी लेगा, दोनों से अगर कुछ ले रहा है तो वो वर्ब है, यहाँ पे प्रिपेयर्ड ईडी ले रहा है तो वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यही है, तो यहाँ पे यही आएगा। सारी चीज़ें बता दी मैंने क्वेश्चन में, नाउन बता दी, एडजेक्टिव बता दी, वर्ब बता दी, टीवी बता दी, राइट टीवी बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, आई विल ब्लैंक स्पेस द फाइनल ईयर एग्जाम। अब यहाँ पे क्या आएगा, बात करें यहाँ पे फाइनल ईयर एग्जाम, फाइनल ईयर एग्जाम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, द फाइनल ईयर एग्जाम क्या है, कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका होता है, एक तो प्रिपोजिशन का होता है, टीवी का होता है, तो यहाँ पे
प्रीपोजिशनेटिव या प्रीपोजिशन तो कहीं दिख नहीं रहा ये इधर वाले एग्जांपल्स में, तो यानी कि जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो आएगी वर्ब वो टीवी ही आनी चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ब ये जो ऑब्जेक्ट है ये टीवी का ही है। क्यों? ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो प्रीपोजिशन का या टीवी का, या तो प्रीपोजिशन का या फिर टीवी का, ठीक है। अब प्रीपोजिशन तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे जो अब इनमें से जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, टीवी ही होना चाहिए, टीवी ही होना चाहिए, है ना। और उसका डायरेक्ट इफेक्ट है ना ऑब्जेक्ट पे पढ़ना चाहिए, टीवी क्या होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़े पूरे ऑब्जेक्ट पे। तो पहला वर्ड देखते हैं अपीयर, अपीयर क्या होता है, अपीयर होना प्रकट होना, प्रकट होना, प्रकट होने से क्वेश्चन पूछो व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछो, प्रकट प्रकट होना व्हाट, प्रकट होना क्या, अब प्रकट होना क्या, क्या से इस पे इफेक्ट जा रहा है क्या, कुछ इफेक्ट जा रहा है क्या इसमें द फाइनल एग्जाम में, कुछ इफेक्ट नहीं जा रहा। प्रकट होना क्या, क्या मतलब कुछ अलग कुछ जा ही नहीं रहा इस पे। जैसे मैं आई कैन प्रिपेयर टी, आई कैन प्रिपेयर टी, अब प्रिपेयर से क्वेश्चन पूछा प्रिपेयर व्हाट क्या टी, हाँ चाय बना सकता हूँ, आई कैन प्रिपेयर व्हाट टी, हाँ मैं चाय बना सकता हूँ, इस पे इफेक्ट जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछूँ आई विल अपियर व्हाट, अपियर प्रकट होना क्या, इस पे इफेक्ट जा नहीं रहा, तो ये क्या है, ये टीवी नहीं है, है ना, क्योंकि अपने यहाँ पर टीवी चाहिए। अगला देखते हैं सेट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म तो वैसे ही नहीं आ सकती है, तो भी नहीं आ सकता। राइट, आई विल राइट, राइट आ सकता है, राइट यानी लिखना, आई विल राइट लिखना, लिखना क्या फाइनल एग्जाम, मैं लिखूंगा, अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगा फाइनल एग्जाम, हाँ ये सही है, ये क्या है टीवी है, राइट क्या है टीवी है। कैसे पता चला, राइट 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 यानी लिखना, लिखना क्या, लिखना क्या, क्या लिखूंगा, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम लिखूंगा, हाँ सही बैठ रहा है, लिखने तो गए वहाँ पे एग्जाम में बैठ के लिखेगा तो सही, तो लिखूंगा क्या लिखूंगा, फाइनल एग्जाम, तो ये सही हो जाएगा, यहाँ पे टीवी है। डू, डू भी नहीं आ सकता, डू यानी करना, मैं करूंगा क्या, फाइनल एग्जाम को करते थोड़ी ना है, कुछ और करते हैं पर वहाँ जाके करते थोड़ी ना है, पर वहाँ पे करते तो क्या करते, उसका आंसर मिलना चाहिए। डू यानी करना, आई विल डू, डू से क्वेश्चन पूछो व्हाट क्या, क्या ये जवाब दे नहीं रहा ऑब्जेक्ट पे, इफेक्ट डाल ही रहा डू, तो ये भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ पे। टुक वर्क की सेकंड फॉर्म कैसे नहीं आ सकती, विल के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, टुक आ ही नहीं सकता। बात करें सिट, सिट यानी बैठना, ठीक है, सिट यानी बैठना, आई विल सिट, मैं बैठूंगा, आई विल सिट बैठूंगा, तो कहाँ बैठेगा, द फाइनल एग्जाम, तो यहाँ पे सिट सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें टेक, टेक क्या हो जाएगा, टेक भी सही हो जाएगा, टेक यानी लेना, आई विल टेक, टेक यानी लेना, लेना क्या, द फाइनल एग्जाम, मैं फाइनल एग्जाम को लूंगा, यानी कि वहां जाके पेपर दूंगा, वहां पे जाके पेपर को सोल्व करूंगा, तो यहाँ पे टेक भी सही हो जाएगा। अब जहाँ पे अपेयर है ये क्या है, टीवी नहीं थी, तो टीवी नहीं थी तो टीवी में क्या है, प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन आई टीवी में प्रीपोजिशन आ सकता है, आई टीवी के साथ भी प्रीपोजिशन आ सकता है। और मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर आया है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आया है, ठीक है, तो ये या तो टीवी का होगा या प्रीपोजिशन का होगा। अब इस आई टीवी के साथ अगर प्रीपोजिशन लगा दे तो ये जो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल देगा, ये जो प्रीपोजिशन लिया है ये इस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल देगा ना, नहीं डालेगा। जैसे अपीयर फॉर, इसकी हिंदी क्या कहेंगे, आई विल अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम, मैं प्रकट होऊंगा फाइनल एग्जाम के लिए। अब के लिए जो एक्स्ट्रा शब्द जुड़ा है ना और उससे बोलने में अपन को सही लग रहा है, तो इस प्रीपोजिशन की वजह से लिया है और इस प्रीपोजिशन का ही ये ऑब्जेक्ट है। अपीयर था जब अकेला अपीयर था तो ये आई टीवी था और आई टीवी में ही प्रीपोजिशन आ सकता है, टीवी में कभी प्रीपोजिशन नहीं डाल सकते आप। राइट के साथ कुछ और नहीं, राइट के साथ प्रीपोजिशन कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि टीवी के साथ अगर प्रीपोजिशन लगा दिया ना तो जो टीवी का जो इफेक्ट है ऑब्जेक्ट पे वो खत्म हो जाता है। क्यों नहीं खत्म होगा भाई, जब टीवी ही ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालता है तो प्रीपोजिशन की जरूरत क्या पड़ रही है आपको, क्योंकि प्रीपोजिशन इफेक्ट डालता है, जब टीवी ही डाल रहा है ऑलरेडी तो प्रीपोजिशन क्यों लगाओगे। हाँ आई टीवी में लगाओ, अपीयर में लगाओ, अपीयर में लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इफेक्ट डाल सकता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऐसे ही अपीयर एट, मैं अपीयर होऊंगा एग्जाम में, एग्जाम में, एट यानी में एट यानी क्या होता है में, आई विल अपीयर, में अपीयर होऊंगा एग्जाम में, तो यहाँ पे ये भी प्रीपोजिशन है, तो इसका फेट इसका एट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द फाइनल एग्जाम, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द फाइनल एग्जाम। सिट फोर, अब सिट फोर ये यहाँ पे सिट है, कुछ वर्ब जो क्या है टीवी भी होती है और आई टीवी भी होती है, तो यहाँ पे जो सीट फोर है ये भी सही है, यहाँ पे सीट फोर याद रखना, यहाँ पे टीवी है लेकिन सीट के साथ फोर यहाँ पे सही है, ये कुछ स्पेशल केसेस है, तो यहाँ पे ये भी सही है और सीट फोर भी सही है, अपीयर फोर अपीयर अपीयर एट सही है और अपीयर फोर भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि कुछ वर्ब टीवी और आई टीवी दोनों हो सकती है। बात करें यू शुड प्रिपेयर
फॉर आईएएस एग्जाम। अब प्रिपेयर क्या है यहाँ पे, आईटीवी है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट आईएएस एग्जाम, ये तो इस प्रीपोजिशन का है, इस प्रीपोजिशन का है ना ये आईएएस एग्जाम। ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो ऑब्जेक्ट या तो टीवी का होगा या प्रीपोजिशन का होगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन है क्योंकि फोर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये जो जिसके पास होता है ना, वो इसी का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का है, ठीक है। और फिर प्रिपेयर क्या है, यू शुड प्रिपेयर, यू शुड प्रिपेयर, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए आईएएस एग्जाम की। ये लाइन गलत है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए आईएएस एग्जाम की, ये लाइन गलत है। तो लाइन सही होती है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए आईएएस एग्जाम के लिए। तैयारी किसे करते हैं, आईएएस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ना, आईएएस एग्जाम की तैयारी थोड़ी ना करते हैं, वो अपन बोलते हैं, लेकिन लाइन गलत है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए आईएएस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे फोर आएगा, तब ये सही हो जाएगा। जो ये वाला प्रिपेयर है टी, इसमें यू शुड प्रिपेयर टी, प्रिपेयर व्हाट, यहाँ क्वेश्चन पूछो व्हाट, क्वेश्चन पूछा व्हाट, व्हाट तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या टी, इफेक्ट जा रहा है ना अपने आप, तो टीवी हो जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, वी शुड ब्लैंक स्पेस द रोल। अब यहाँ पे जो है टीवी एक ही, यहाँ पे ये ओबे, इन सब का मतलब पालन करना होता है, कंप्लाई का मतलब भी पालन करना, ओबे का मतलब पालन करना, अबाइड का मतलब पालन करना, और अडेर का मतलब भी पालन करना। लेकिन ये सब ये गलत है, कंप्लाई गलत है, अबाइड गलत है, अडेर गलत है। लेकिन कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ अगर विद लगा दोगे, तो कंप्लाई के साथ अगर विद लगा दिया यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। अबाइड के साथ, अबाइड के साथ बाय लगा दिया, तो ये सही हो जाएगा। अडेर के साथ अगर टू लगा दिया, तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ये सारे सारे क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इधर क्या है, पालन करना हो जाएगा। वी शुड कंप्लाई, हमें पालन करना चाहिए रूल के साथ, रूल के साथ, ये प्रीपोजिशन का, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इधर क्या है, कंप्लाई की वजह से सब्जेक्ट प्रभावी होता है, तो ये क्या है, कंप्लाई की वजह से ये सब्जेक्ट प्रभावी हो जाएगा, और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो का होता है, तो टीवी का या प्रीपोजिशन का। अभी टीवी तो है नहीं, तो ये प्रीपोजिशन का इसको ऑब्जेक्ट बना दो, और कंप्लाई को, इस कंप्लाई आईटीवी है, तो इस सब्जेक्ट को प्रभावी कर दो। सिमिलरली यहाँ पे अबाइड के साथ बाय लगा दो, बाय का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन के हिसाब से, और अबाइड, वी शुड अबाइड, हमें पालन करना चाहिए, इसके हिसाब से हो जाएगा। अडेर के साथ टू लगा दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब देखना ये क्रिकेट, ये क्रिएट क्या है, क्रिएट क्या है, ये टीवी है। क्यों, क्योंकि अ प्रॉब्लम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो टीवी का या प्रीपोजिशन का, है ना। अब ये यहाँ पे, यहाँ प्रीपोजिशन तो है नहीं, अभी एक ही वर्ब लिखी हुई है, और उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये जो वर्ब है ये टीवी होगी, क्योंकि जस्ट वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिख रहा है तो टीवी है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट इस पर डाल रहा है सीधा। क्रिएट, क्रिएट करना, क्रिएट यानी व्हाट, क्रिएट क्या, क्या एक समस्या, तो ये टीवी, उसके हिसाब से टीवी बन रहा है, व्हाट से क्वेश्चन पूछने पर ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है इफेक्ट। अरे जो फोर है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये जो यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यू क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है ना, और प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और नाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट एक तरह से, नाउन क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं एक तरह से, मान लो नाउन होते हैं, नाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन फोर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अ प्रॉब्लम किसका ऑब्जेक्ट है, क्रिएट टीवी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, इट माइट ब्लैंक स्पेस टुडे। अभी जो इट है, ये माइट क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म यही है, तो ये यहाँ आ जाएगा वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जो इट है, ये क्या है, इट क्या है, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रियल सेंस देने वाले, और एक अनरियल। ये रियल सेंस दे रहा है, यह क्रिएट कर सकता है एक प्रॉब्लम, यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है यह, इसका मतलब प्रॉपर एक यह, एक हिंदी में शब्द आ रहा है यह, इसका मतलब यह। लेकिन यहाँ पे इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इट का कुछ मतलब नहीं है, आज बारिश हो सकती है, इसका तो कुछ सेंस ही नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, अनरियल। सिमिलरली ये इट इज़ हॉट टुडे, यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं आ रहा, आज गर्मी है, इसका कोई मतलब नहीं आ रहा, तो ये क्या, अनरियल हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, रियल सेंस वाला, है ना। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं, नाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं एक तरह से, ठीक है। वन वर्ड देख लेते हैं, कॉम्प्लीसेंट, कॉम्प्लीसेंट यानी आत्मसंतुष्ट, खुद से संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड। कोबलर, मोची, जो चमड़े का काम करता है। कंजर, जादूगर, मैजिशियन, सब जानते हैं। सेनेट्रियन, सेनेट्रियन यानी 100 वर्ष का बूढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, ठीक है, और पिछले वीडियोज को जरूर देखें, तभी जाके आपको अच्छी समझ में आएगा ये,
ठीक है, देखते हैं फ्रेज एंड आइटम्स क्या होते हैं। अ वाइल्ड गूस चेस, इसका क्या मतलब होता है, खोजने का व्यर्थ प्रयास करना, फालतू एफर्ट मारना, ठीक है, अ वाइल्ड गूस चेस। अगला है टू होल्ड वाटर, टू होल्ड वाटर, जिसकी सत्यता पर विश्वास किया जा सके, इसका क्या मतलब है, टू होल्ड वाटर, जिसकी सत्यता पर विश्वास किया जा सके। ऑन द क्लफ, उधारी पर, है ना, क्रेडिट पर, ऑन द क्लफ, उधारी पर। आउट एंड आउट, पूरी तरह से, है ना। ये हो गए आज के वन वर्ड आइटम्स एंड TV/ITV की एक्सरसाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो जिनको अगर इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो पूरे वीडियो को फॉलो करें, रोज का 10-15 मिनट का वीडियो होगा इंग्लिश का, उसको देख सकते हैं, 10-15 मिनट दे सकते हैं अपनी इंग्लिश के लिए, क्योंकि हर एग्जाम में पूछी जाती है, नॉर्मल स्पोकन में भी कहीं ना कहीं काम आती है, ठीक है। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम।